नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। 7 दिन तक फरार रहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि एएसपी लिपि सिंह और दानापुर एएसपी अशोक मिश्रा साथ ही साथ बाढ़ के थाना प्रभारी के साथ ही लगभग 10 लोगों की टीम दिल्ली से अनंत सिंह को बिहार लाने के लिए निकल गई। जिस तरीके से अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस को उन्हें हैंडओवर करना पड़ा और दिल्ली पुलिस उन्हें जांच के बाद जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें बीती रात जेल भेज दिया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस को लेकर के जिस तरीके से बातें की जा रही थी तो वो उन्हें जांच के लिए ले गई। हालांकि उसके बाद बिहार पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई और ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही है कि जिसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट से बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाएगी और फिर उन्हें बाढ़ कोर्ट में पेश करेगी। मैम ओनली वन सवाल, मैम एक सवाल लेट हो रही मैम, ओनली एक सवाल नहीं होगी मैम, मैम एक सवाल नाकामी है मैम, पुलिस नाकामी है मैम, मैम पुलिस मकम्मा लगी हुई थी, क्या हुआ मैम? मैम गुड इवनिंग मैम, मैम बस एक सवाल मैम, ओनली वन सवाल मैम, एक सवाल लेट हो रही मैम, ओनली एक सवाल मैम, एक सवाल नहीं होगी मैम, मैम एक सवाल नाकामी है मैम, पुलिस नाकामी है मैम, मैम पुलिस मकम्मा लगी हुई थी, क्या हुआ मैम? मैम गुड इवनिंग मैम, मैम बस एक सवाल मैम, ओनली वन सवाल मैम, एक सवाल लेट हो रही मैम, ओनली एक सवाल मैम, एक सवाल नहीं होगी मैम, मैम एक सवाल। हालांकि कल साकेत कोर्ट में अनंत सिंह के द्वारा सरेंडर किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मेडिकल जांच कराया, फिर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया जहां जेल में उन्हें रात बिताना पड़ा। वहीं पेशी के बाद अनंत सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आज अनंत सिंह जी ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। वो यहाँ दिल्ली में अपनी मेडिकल इलाज के लिए आए हुए थे और जब उनको ये पता चला कि उनके खिलाफ बिहार में कोई केस दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है कोर्ट में, तो उन्होंने इमीडिएटली आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। माननीय न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ केस इन बिहार एंड आइडेंटिफाइंग हिज आइडेंटिटी एंड हिज लोकल रेसिडेंस। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना। बिहार सरकार के वकील भी मैटर में अपीयर हुए और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये स्पष्ट कहा कि हमारा ये कहना है कि श्री आनंद सिंह के जान को खतरा है, उनके खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज किया गया है और उनको सरकारी बिहार के सरकारी एजेंसी से विश्वास नहीं है। इन सब मुद्दों के मद्देनज़र माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि उनके जान माल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाए और उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा उनका हेल्थ का चेकअप किया जाए और उसके बाद कंसर्न CMM के कोर्ट से या DTMM के कोर्ट से अप्रोप्रिएट ऑर्डर के द्वारा उनको तुरंत बिहार में जो कंसर्न्ड कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाए और जब तक उनको कंसर्न कोर्ट में
ट्रांसफर नहीं पूरी सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंचा दिया जाता है तब तक उनके जान माल की पूरी सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने बताया कि उनकी हेल्थ प्रॉपर एंड डिटेल्ड हेल्थ चेकअप के बाद उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा साकेत कोर्ट के CMM के सामने या UTMM के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। और जैसा कि लर्नेड CMM या लर्नेड UTMM आदेश पारित करेंगे उस आदेश के तहत उनको लेकर दिल्ली पुलिस बिहार के कंसर्न कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए रवाना हो जाएगी। इधर बाहुबली विधायक अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेने दिल्ली पहुंची बाढ़ की SP लिपि सिंह एक बार फिर सुर्खियों में बन गई हैं। दरअसल लिपि सिंह अपने सांसद पिता की गाड़ी से साकेत कोर्ट पहुंची। वे जिस गाड़ी में कोर्ट पहुंची उस गाड़ी पर MP का स्टिकर लगा हुआ था। बताया जाता है कि वह गाड़ी उनके पिता और राज्यसभा सांसद RCP सिंह की है। यह खबर सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। एक सवाल मैम, अभी चूंकि फोन में बात करें, देखिए बिहार पुलिस की टीम अभी पहुंच गई है दिल्ली, ये बड़ी खबर है। दिल्ली तो जिस तरीके से कल जो बिहार पुलिस थी वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचने के बाद आज साकेत कोर्ट में जाते हुए लिपि सिंह जब गई तो वो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी, दरअसल वो गाड़ी एक MP की थी और वो MP उनके पिता हैं, जिसको लेकर के अब जो सुर्खियां है वो एक बार फिर से लिपि सिंह के आसपास घूमने लगी है। दरअसल अगर बात करें इसको लेकर के तो MP की गाड़ी थी और प्रोटोकॉल के अनुसार अगर बात करें तो लिपि सिंह अभी अपने ड्यूटी में तैनात हैं और ड्यूटी के दौरान वो किसी का सहायता नहीं ले सकती है। उन्हें सरकारी गाड़ी मुहैया कराई जानी थी लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो एक MP की गाड़ी में जाती हैं, तो इसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात लिपि सिंह को लेकर के करें तो अनंत सिंह ने कई बार लिपि सिंह पर आरोप लगाए हैं और साथ साथ उन्होंने जदयू पर भी आरोप लगाया है और लिपि सिंह जो हैं उनके पिता RCP सिंह जदयू के नेता हैं, तो ये अब क्या मामला बनता है सब देखने वाली बात होगी। वही साकेत कोर्ट अपने पिता की गाड़ी पर पहुंची लिपि सिंह को जहां एक तरफ जाने के बाद बवाल हो गया, वहीं इसको लेकर कई पार्टियों ने अपने अलग अलग राह पलापे हैं। क्या कुछ कहा पटना में नेताओं ने, सुनिए। यह तो प्रोटोकॉल में क्या नियम है, वह लिपि सिंह IPS ऑफिसर है और ऑफिशियल ड्यूटी पर गई थी तो उनको तो सरकारी गाड़ी उपलब्ध होनी चाहिए थी। और यह प्रोटोकॉल का क्या नियम है, क्या प्रबंधन है, उसका क्या उल्लंघन हुआ है या क्या पालन हुआ है, यह पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी बताएंगे। और अगर उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस सरकार के अंदर जब हमारी सरकार NDA बनी, चाहे NDA 1 हो या NDA 2 हो, हमने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। प्रदेश के अंदर जो ऐसे जिनके ऊपर आरोप लगे, चाहे वो मनोरमा देवी हों, चाहे वो शाहबुद्दीन हों, चाहे ऐसे राजबल्लभ यादव हों, किन्हीं के शासन में किन्हीं प्रकार की परिस्थिति हुई उन पर कार्रवाई करने का काम NDA ने भी किया है और नीतीश कुमार जी की सरकार ने भी किया है। और आज जिस परिस्थिति में हम लोग साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से जिनके ऊपर भी इस तरह के आरोप हैं, कानून काम कर रही है, कानून अपनी जगह काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर पर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं के ऊपर कोई आरोप है, उस आरोप का वो न्यायालय के अंदर उनके साबित होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इसलिए अगर इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर आए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, तो उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक आम लोगों के बीच धारणा कमज़ोर होती है। और आज जिस प्रकार की परिस्थिति अनंत सिंह जी के साथ हो रही है या जिस प्रकार की परिस्थिति अन्य लोगों के साथ हुई, वो सब कानून के दायरे में हो रहा है और कानून जो सही पक्ष है उस सही पक्ष पर काम करेगी।
वहीं हाजीपुर में पिछले कुछ समय तक राजनीतिक गतिविधियों से गायब रहने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। पटना के दूध मंडी में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद तेजस्वी यादव की झमाझम बारिश वाली पॉलिटिक्स दिखी है। पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश में भी तेजस्वी ने कार्यक्रम नहीं छोड़ा और न केवल खुद भीगते हुए सदस्यता अभियान के लिए पर्चियां काटते दिखे, बल्कि तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच भी सभा होती रही। सरकार का एक तरह से लोकतांत्रिक का काम कर रहा है और पूरी तरह से स्वतंत्र बनने का काम कर रहा है। सही बात को नहीं दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। पूरी तरीके से उम्मीदों का चुनाव करने का काम करके देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली के एम्स अस्पताल में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दरअसल अरुण जेटली को 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिजली के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ कई और नेताओं ने भी इनसे मुलाकात की थी। वहीं जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:07 पर जेटली ने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिवंगत नेता पिछले कई वर्षों से बीमारी से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि लगभग 40 साल के राजनीतिक जीवन में जेटली ने कई सर्वोच्च पदों पर अपनी भूमिका को बखूबी निभाया था। वहीं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर देश के साथ ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने देश के साथ ही बिहार के लिए भी सबसे बड़ी क्षति बताया, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता एचके वर्मा ने भी दुख व्यक्त किया। देश के एक बड़े नेता थे और देश के वित्तीय आर्थिक प्रबंधन पर उनकी गहरी पैठ थी, बहुत बड़े जानकार थे। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में वित्त प्रबंधन का बहुत सुचारू ढंग से संचालन किया और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन देश के एक संवेदनशील जागरूक नेता थे और उसके निधन से कांग्रेस पार्टी भी मर्माहत है। पार्टी का परिवार, मैंने पहले कहा कि हमारी झोली खाली हो रही है और जिस तरह से सुषमा जी का एक अलग छवि था, देश के अलग राजनीतिक दलों में भी उनके प्रति एक अलग भाव था, आज हमारे बीच नहीं रही। अरुण जेटली जी हमारे बीच नहीं रहे, मध्य प्रदेश के नेता बाबूलाल गौड़ नहीं रहे, ऐसे कई जो ऐसे दिग्गज नेता हैं आज खाली होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी रिक्ति आई है। ये निश्चित रूप से हमारे नए पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, उनके प्रेरणा के आधार पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह सब स्मृति, उनके दिए हुए कर्तृत्व, वो सब हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी उसी मजबूती के साथ उनके आदर्शों। इधर बिहार के गोपालगंज में अपराधियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मी को बंधक बनाकर लगभग 2,42,000 रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर कर्मियों के साथ मारपिटाई भी की गई, साथ ही इस सारी घटना पंप के CCTV कैमरे में कैद हो गई। नुकसान क्या है जानो?
तो ये तस्वीरें हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां अपराधियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मी को बंधक बनाकर लगभग 2,42,000 रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर कर्मियों के साथ मारपिटाई भी की गई। साथ ही पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी पंप की है जहां पे ये सारी घटना हो गई। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोग खाना खा रहे थे, तब तक आकर वो लोग चारों तरफ से घेर कर मारने लगे सब आदमी को। उसके बाद कुंडा से मार कर, पिस्टल का कुंडा से खाला कर लिया। यहाँ हम मैनेजर के पद पर हैं और हम यहाँ 13 सालों से, जब से पंप स्टार्ट हुआ है तब से हम इस पद पर यहीं पर हैं। और शाम को 7:45 हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, तब तक 4 बाइक से 12 आदमी तीन तीन करके आए और हथियार के बल पर हम लोग को पकड़ लिए और पकड़ कर मारना पीटना शुरू कर दिए। और कुछ लोग हम लोग को ले जा करके खाना जिस बनता है उसमें बंद कर दिए, वहाँ मारने लगे। और कुछ लोग आकर के काउंटर तोड़ करके पैसा था। इधर पटना पीएमसीएच में शिशु विभाग में एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह से यह मशीन खराब है, जिस वजह से लोग बाहर एक्सरे कराने को मजबूर हैं। एक्सरे करवाने आए थे? जी सर। क्या एक्सरे हुआ? जी नहीं, बोले कि आधा घंटा वेट करिए। क्या बोले? आधा घंटा बोले वेट कर लें। जैसा कि सुनने में आ रहा कि एक्सरे मशीन यहाँ खराब है। मुझे पता नहीं, हम पता नहीं किए। यहाँ से आए हैं बच्चे का इलाज कराने के लिए। एक्सरे के लिए यहाँ बोले तो क्या बोले यहाँ से? बोले यहाँ खराब है, एक्सरे करा लीजिए। कितना दिनों से खराब है कुछ जानकारी मिली? नहीं, ये तो नहीं। इधर रोहतास जिले के दिनरा प्रखंड अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 5 कोड संख्या 72 की स्थिति दयनीय है। यहाँ पर सेविका और उनके पति की मनमानी से लाभुकों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र एक किराए के मकान में चलता है जिसमें रोशनी, हवा और शौचालय का प्रबंध नहीं है। इस संबंध में जब दिनरा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने सुधार हेतु मौका देने की बात की है। अभी तो सर नहीं कही, कभी नहीं कही है। अभी कह रहे हैं कि सर लोग अपना जैसे किराए पर चला रही हूँ। आप कितना दिन से ड्यूटी कर रही हैं? अरे 6 को है सर, 2006 से चला रही हूँ। कठिनाई यही है कि मैं मांगती हूँ बनाने के लिए सेंटर को, तो सेविका दीदी बोलती हैं कि तुम कौन होती हो मांगने वाली, मैं दूंगी तो बनाऊंगी या नहीं दूंगी तो नहीं बनाऊंगी, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इधर रोहतास जिले में गबन के मामले में करहरा थाना की पुलिस ने एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा करगहर से 1,07,00,000 रुपए की राशि गबन करने के मामले में सेंदुआर पैक्स के पूर्व अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सेंदुआर गांव में स्थित उनके राइस मिल में छापेमारी कर पूर्व पैक्स अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया।
इधर बगहा में जन्माष्टमी के मौके पर कलश यात्रा के दौरान एक युवक तिरहुत नहर में डूब गया। तिरहुत नहर में छलांग लगाकर करीब आधा दर्जन युवक डूब रहे, जिसमें 5 ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि एक युवक की तलाश अब भी जारी है। वही बात अगर जन्माष्टमी को लेकर करें तो पटना में जन्माष्टमी को लेकर राजधानी के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पूरी तरीके से मंदिर भी सज धज कर तैयार है। आपको बता दें कि कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भव्य रूप से नंद का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 1 11। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।